ऑर्फनेज में होते हैं और वहाँ से भाग के वो गैंगस्टर बन जाते हैं काफी बड़े, तो वो भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और वो भी इनके साथ हैं इस मूवी में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विक्रम मूवी की। जी हाँ, कमल हसन जी की बात करने वाले हैं आज। इन बहुत बड़े स्टार हैं, इनकी काफ़ी सारी मूवीज आपने देखी होंगी, मैंने तो देखी है, जैसे कि इंडियन, इंडियन 2, विश्वरूपम, विश्वरूपम 2, और मेरी ऑल टाइम फेवरेट थी चाची, चाची 420। ठीक है, अच्छा वो इनकी थी क्या? हाँ चाची बने हुए थे वो इनकी। हाँ गाइस, वो तो सच्ची बुड़ी बहुत अच्छा। बड़े स्टार हैं, मतलब दिल से रिस्पेक्ट है, मतलब इनके लिए सच्ची में इनकी बहुत मूवीज देखी है मैंने, बहुत सारी, तो बहुत अच्छे स्टार हैं हर मूवी। विश्वरूपम बहुत ऑसम मूवी थी, एक 10 अवतार इनकी मूवी, उसमें 10-10 रोल कर रहे हैं अकेले, 10-10 रोल अलग अलग बंदों का। हर मूवी इनकी सुपर डुपर हिट है यार, मतलब पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बहुत अच्छे स्टार हैं, तो इनकी एक्टिंग का फैन हूँ मैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। मैंने इस मूवी के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं किया है, कभी मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता था। ठीक है, मैं बिल्कुल जो मेरे रियल एक्सप्रेशन है ना, मेरी वाइफ के जो रियल एक्सप्रेशन है वो आपके सामने रखना चाहते थे, इसलिए हमने इस मूवी के बारे में कुछ नहीं देखा, कुछ सर्च नहीं किया गूगल पे, सीधा आपके सामने ट्रेलर देख रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे मूवी की। चलिए देखते हैं। வேட்டைக்கு போகும் நான் தப்பிக்க பார்க்கணும், ஆனா அதுக்குள்ள அஸ்தமனம் ஆயிடுச்சுன்னா காலையில விடியலை பார்க்க போறது யாருங்கிறத இயற்கை தான் முடிவு பண்ணும். ஆனா இந்த காட்டுல யாரு எங்க எப்ப விடியலை பார்க்க போறாங்கிறத முடிவு பண்றது இயற்கை இல்ல. Now once upon a time rules and regulations go engalukku illa ungalku irundha meerappadu and feed the most oru moomudi kalatranna innoru moomudi potavanaala thaan mudiyum yen sarakku en kaiyila kadachina un government killa na varthavilla en government enala uvakka mudiyum yo உங்களுக்கு டெரரிஸ்ட்க்கு என்ன வித்தியாசம்? One man's revolution is another man's terrorism. சார், நம்ம வெளியே வராதபடி சந்தனத்தோட சுத்தி வளைச்சு என்ன சார் பண்றது? இந்த மாதிரி நேரத்துல வீரங்கள் அடிக்கடி சொல்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமா? தப்பாத்துக்கலாம். इस मूवी का नाम विक्रम है, बट लास्ट में ये विक्रम 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 कर रहे थे, कहीं दो जुड़वा तो नहीं है इसमें, है ना? पता नहीं। और इसमें मिस्टर सेतुपति भी हैं, तो उनकी एक मूवी देखी है मैंने, वो ऑर्फनेज में होते हैं और वहाँ से भाग के वो गैंगस्टर बन जाते हैं काफी बड़े, तो वो भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं और वो भी इनके साथ हैं इस मूवी में, मतलब साथ में तो क्या होंगे, मतलब एंटी होंगे। ये मूवी जो जब चल रही थी ना, साउंड था और जिस टाइप से गोलियां चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कोई मैक्सिकन मूवी चल रही है। अगर हम में से किसी ने मैक्सिकन मूवी नहीं देखी है तो जरूर जाके देखो, बहुत अलग टाइप की होती है, अलग लेवल है वो। उसमें डर नहीं लगता क्या? किसमें गोलियां चलती हैं और सॉन्ग ऐसे ही चलती हैं, उसमें गोलियां और सॉन्ग, मैक्सिकन मूवीज में डर नहीं लगता जो वहां खड़े होते हैं उनको? हां नहीं, जैसे देखने वाले को क्या डर लगेगा, तो देख रहे डर तो लगता ही है।
तो मेरी वाइफ को डर लगता है टीवी में भी गोलियां देखने से, कभी कोई आगे गोली लग ना जाए, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी ओसम लेवल का ट्रेलर था ये, काफ़ी ओसम लेवल का। थोड़ा मैं इनका फ़ैन हूँ तो इसलिए मेरे को ज़्यादा ही कुछ एक्सपेक्टेशन थी, उस हिसाब से थोड़ा कम था, लेकिन वैसे बहुत अच्छा था। अपनी दूसरी मूवीज़ को देखते हैं ना, उनका ट्रेलर इस टाइप की मूवीज़ ही बनाते हैं मोस्टली, दूसरे स्टेप की मूवीज बहुत कम बनाते हैं, थोड़ा हटके। थोड़ी कंफ्यूजिंग सी लगी मेरे को वो, इनकी हर मूवी लगती है, हर मूवी इनकी मूवी देखने से पहले कोई गैस नहीं कर सकता कि मूवी में क्या होने वाला है। यही तो खासियत है कमल हसन की, कोई भी विश्व रूपम देख के कौन गैस कर सकता था कि उसमें ये होने वाला है। स्टार्टिंग का जब सीन चला, जब विश्व रूपम में वो एक उसकी क्या बोलते हैं डांसर की एक्टिंग कर रहे थे, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, गे लग रहे थे, ठीक है, लेकिन वो नहीं थे, वो एक स्पाई थे, सुपर स्पाई, तो कोई नहीं गैस कर पाया, मतलब चौंक गया था, मतलब इतनी ओसम मोमेंट थी ना वो मेरे लिए, जब वो एकदम उस गेटअप में थे, हाँ उस गेटअप में, तो एकदम बाल बुल काट के और एकदम अलग ही उन्होंने रूप ले लिया, बहुत ओसम था वो। तो कमल हसन जी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सबसे पहले, तो उसके बाद हम वीडियो ख़त्म करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, ट्रेलर बहुत अच्छा था, सॉरी। तो मूवी ज़रूर देखें, हम भी ज़रूर देखेंगे, मूवी के बाद बात करेंगे जब रिलीज़ हो जाएगी तो हमें कैसी लगी। हाँ। और आप भी ज़रूर बताएंगेगा आपको कैसी लगी, और अगर आपको किसी स्पेशल वीडियो का रिएक्शन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छी नहीं लगी हो तो भी ज़रूर बताएं। वीडियो को बताएं जरूर, हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कमल हसन साहब के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब करें और एंड तक ज़रूर देखें वीडियो को, प्लीज़ यार देख लिया करो ना, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।